हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट और टुडे टॉपिक इज वर्ण विचार। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे व्याकरण के अंग या व्याकरण के भाग कौन कौन से थे। फर्स्ट था अपना वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड था वाक्य विचार। तो आज हम जो फर्स्ट अंग है, फर्स्ट भाग है, भेद है व्याकरण का, उसकी चर्चा करेंगे। वर्ण विचार यानी वर्ण क्या है। तो वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा, पहले वर्ण किसे कहेंगे। स्टूडेंट, मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। और जो ऐसी ध्वनि, ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे जैसे ए, ई, क, ख, ज, यानी जो स्वर और व्यंजन जितने होते हैं वो सब किस में आएंगे, वर्ण में। उनको क्या कहेंगे, वर्ण। अब वर्ण, वर्ण के भेद यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं, जो वर्ण विचार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। और दो अयोगवाह होते हैं, अयोग्यवाह। अयोग्यवाह होते हैं किसे कहेंगे, अयोग्यवाह, जो ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो। वो कौन से होते हैं, अंग और अह। यानी अंग और अह को ना तो स्वर कह सकते हैं हम और ना व्यंजन कह सकते हैं। यानी अयोग्यवाह क्या हुआ, जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्वर, स्वर क्या है। तो जिन शब्दों के बोलते समय किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े तो वो स्वर है, और जिन वर्णों के बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े या स्वर की सहायता से ही बोले जाए उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन। हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब स्वर के भेद, जो स्वर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और री। संयुक्त स्वर में समान स्वरों को मिलाकर भी संयुक्त स्वर बनता है और असमान स्वरों को मिलाकर भी संयुक्त स्वर बनता है। तो ए और ए यानी समान स्वर मिलके क्या बना, आ। ए और ए मिलके क्या बना, आ। उसी प्रकार ई और ई मिलके क्या बना, ई। ऊ मिलके क्या बना, ऊ। यानी ये समान स्वरों के मिलने से बने संयुक्त स्वर कौन कौन से हुए, आ, ई, ऊ। अब असमान स्वरों के मिलने से बने हुए स्वर कौन कौन से हैं, इधर देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस ई या फिर ए प्लस ई को मिलने से बना अपना ए। ए प्लस ए के मिलने से बना आई। उसी प्रकार ए प्लस ऊ या फिर ए प्लस ऊ के मिलने से बना ओ। ए प्लस ओ के मिलने से बना आउ। यानी असमान स्वरों के मिलने से बने संयुक्त स्वर कौन कौन से हुए, ए, आई, ओ और आउ। जो ये फोर स्वर है, चार स्वर है, वो है असमान स्वरों के मिलने से बने हुए स्वर। और ये जो तीन स्वर है, आ, ई, ऊ, ये है आपके समान स्वरों से मिले बने हुए स्वर। स्टूडेंट्स, अब हम स्वर के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। स्वर हिंदी में स्वर होते हैं अपने ए, आ, ई, ई, ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आ,
you. Okay students, 11 swar ho gaye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, to ab inki swar ki matrae, स्वर मात्राएं, इन स्वर की जो मात्राएं हैं वो कैसे लगती है. ए, ए की कोई मात्रा नहीं होती, जो ए की ध्वनि है वो व्यंजन में ही समाहित हो जाती है. आ, आ की मात्रा ये हो गई. छोटी ई की मात्रा ये. बड़ी ई की मात्रा. ऊ, ऊ की मात्रा. बड़ा ऊ की मात्रा. री, री की मात्रा. किसी शब्द के नीचे ऐसा चिन्ह होता है वो री की मात्रा होती है. ए की मात्रा. आई, आई की मात्रा. डबल मात्रा आई. ओ और आउ. ओके स्टूडेंट्स, और दो मात्राएं और आती है अपने. एक अंग की मात्रा, जो अंग है उसकी मात्रा होती है किसी व्यंजन के ऊपर लगी होती है. और अह वाली मात्रा ये होती है जो किसी व्यंजन के ऊपर लगी रहती है ये भी. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी स्वर और स्वर की मात्राएं समझ में आई होगी. स्वर 11 होते हैं और उनकी मात्राएं, और ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये व्यंजन में ही समाहित होता है. तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो व्यंजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. स्वर हमने पढ़ लिया है कि स्वर कहते किसे हैं और कितने स्वर होते हैं. व्यंजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है. भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते वह वर्ण है. और जो स्वर और व्यंजन का जो क्रमबद्ध तरीका है, क्रमबद्ध तरीके से जो समूह है उसको वर्णमाला भी वर्णमाला कहते हैं. यानी यह क्वेश्चन भी है अपने सामने कि वर्णमाला किसे कहते हैं. तो वर्णमाला किसे कहेंगे, जो वर्ण है उनका जो क्रमबद्ध समूह है उसे वर्णमाला कहेंगे. और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं. स्वर की संख्या 11 होती है, और व्यंजन की संख्या 33 होती है. और दो अपने अयोग्यवाह भी होते हैं. अयोग्यवाह क्या है, जो ना तो स्वर हो और ना व्यंजन हो, वो है अंग और अह. और स्वर जिन वर्णों के बोलते समय कोई किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या सहायता से नहीं बोले जाते हो उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर. मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ऊ और री. और संयुक्त स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ. ओके स्टूडेंट्स, और स्वर अपने 11 है ही, उनकी मात्राएं. ओके स्टूडेंट, थैंक्स.